पिछले दिनों हवाई उड़ान के दौरान विमान का दरवाजा खोलने को लेकर दो घटनाएं हुई हैं। बीते मंगलवार को एयर एशिया की हवाई उड़ान के दौरान रांची में एक यात्री ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो पिछले शनिवार को एक अमरीकी युवक ने डेल्टा एयरलाइंस की उड़ान के दौरान बाथरूम से निकलने के बाद ठीक ऐसी ही कोशिश की थी। रांची की फ्लाइट में आफताब नामक इस युवक के कारनामे को अंजाम देने से रोकने में फ्लाइट क्रू मेंबर्स कामयाब हुए और उसे पुलिस को सौंप दिया गया तो सिएटल से बीजिंग जा रही बोइंग 767 फ्लाइट में मौजूद दो महिला कर्मचारियों ने 23 वर्षीय अमरीकी युवक हुडिक की इस कोशिश को नाकाम किया। क्या दरवाजे खोले जा सकते हैं? अमरीकी मामले की जांच में लगे FBI एजेंट के सामने विमान में मौजूद महिला कर्मचारी ने बताया कि दरवाजे का लीवर जैसे ही 90 डिग्री की स्थिति में आता है वैसे ही पायलट को दरवाजा खुलने की सूचना मिलती है और कम ऊंचाई पर ऐसी स्थिति में इसकी पूरी संभावना होती है कि दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन इसकी कितनी संभावना है? क्या विमान के भीतर यात्रा के दौरान पैसेंजर खुद दरवाजा खोलने में कामयाब हो सकते हैं? हवाई यात्रा करने वालों को यह जानना जरूरी है कि इसके दरवाजे कैसे काम करते हैं और उड़ान के दौरान अगर ये खुल जाएं तो इससे क्या होगा। डेल्टा एयरलाइंस इमेज कॉपीराइट जेटी इमेजेस। सर्रे विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सीनियर लेक्चरर डेविड बर्च कहते हैं कि कम ऊंचाई पर दरवाजे खुल भी सकते हैं। उनका कहना है आमतौर पर विमान के दरवाजे हाइड्रोलिक प्रेशर यानी उच्च दबाव के साथ बंद किए जाने के लिए डिजाइन होते हैं। हालांकि केबिन का दबाव आमतौर पर सामान्य समुद्र की सतह पर हवा के दबाव की तुलना में कम होता है इसलिए प्रेशर लॉक अधिक ऊंचाई पर ही काम करना शुरू करते हैं। घबराने की कितनी जरूरत? डॉक्टर बर्च कहते हैं कि अगर हुडिक दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया होता तो इससे लगे हवा भरे हुए स्लाइड्स, इमरजेंसी की स्थिति में यात्रियों के फिसल कर उतरने की व्यवस्था सक्रिय होते और संभवतः हवा की ताकत के कारण टूट भी जाते क्योंकि विमान सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। विमान का दरवाजा इमेज कॉपीराइट जेटी इमेजेस। उन्होंने कहा फिर भी अगर दरवाजा खुल गया होता तो स्थिति उतनी भयावह भी नहीं होती क्योंकि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके अलावा यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऐसी स्थिति में विमान के भीतर तेज हवा शोर आता और विमान धीरे धीरे काफी ठंडा हो जाता, हालांकि तापमान 0 डिग्री तक नहीं गिरता। बर्च ने कहा ऐसी स्थिति में पायलट दरवाजा खुलने की चेतावनी देखेंगे और संभवतः सुनेंगे भी कि कॉकपिट के बाहर कुछ गलत हो चुका है। वो इमरजेंसी की घोषणा करेंगे और फौरन ही स्थिति को ठीक केबिन के भीतर दबाव के अंतर को कम करने में लग जाएंगे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नियम कहते हैं उड़ान के दौरान जानबूझकर किसी व्यक्ति के दरवाजा खोलने की संभावना को कम करने के लिए विमान में तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर बर्च ने कहा उड़ान के दौरान यह भी जरूरी है कि एक विमान खुले दरवाजों के साथ उड़ने के साथ ही लैंड भी कर सके और अगर उड़ान के दौरान किसी भी व्यक्ति दरवाजा खोल भी दिया तो ये सहयात्री के लिए परेशानी का कारण न बने।